तो आज का दिन एक बड़ा दिन है हर एक भारतीय को। यहां पर खुशखबरी मिली है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण की अगर बात करें। इसके अलावा पाकिस्तान स्थित गुरुद्वार कॉरिडोर का आज उद्घाटन हुआ है। तो आज दिन भर की बड़ी खबरों का रुख करेंगे, तमाम वो खबरें जो हर एक भारतीय को जानना बेहद ही खास जरूरी है। और यहाँ पर अगर बात की तो राम मंदिर को लेकर जो फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसको लेकर यहाँ पर मुस्लिम पक्ष क्या बयान दे रहे हैं। अगर यहाँ पर बात करें ओबीसी की, तो उनने यहाँ पर क्या बयानबाजी की है। हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे, हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है। 5 एकड़ जमीन की हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगू लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में इतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन बना सकूंगा। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे, हमको किसी से भीख की जरूरत नहीं है। आज जो एक शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या यहाँ पर बड़ी बात है उन्होंने कही। इसके अलावा यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने भी इसके बाद एक यहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंस की है, उसमें क्या यहाँ पर कहा है वो बड़ी खबर जानेंगे। इसके अलावा भी कुछ नेताओं ने अपना बयान यहाँ पर दिया। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके अनुसार तेजस्वी यादव नेता आरजेडी का बयान है कि मंदिर मस्जिद की बजाय स्कूल कॉलेज बनने चाहिए थे। इसके अलावा यहाँ पर मुरली जो यहाँ पर बीजेपी नेता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राम सारे धर्मों के हैं। इसके अलावा संजय राउत जो कि शिवसेना नेता है, उनकी तरफ से अयोध्या मंदिर और महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं शिवसेना की सरकार, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो राम भक्ति हो या राम रहीम भक्ति, ये भक्ति भारत भक्ति का है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी का अपना ट्वीट है। यहाँ पर अमित शाह का ट्वीट क्या है, फैसला मील का पत्थर साबित होगा और भारत सामाजिक ढांचा मजबूत होगा, ऐसा यहाँ पर राजनाथ सिंह का। यहाँ पर जो फैसला है अयोध्या विवाद सुप्रीम कोर्ट का, वो साफ तौर पर 2.77 एकड़ की विवादित भूमि पर फैसला आया है। रामलला जमीन सौंपी गई है और निर्मोही अखाड़ा को जो दावा है उसको खारिज कर दिया है। इसके अलावा सिन्नी जो वक्त बोर्ड है उसको 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही दी जाएगी और केंद्र सरकार राज्य सरकार इसका चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर दिन भर की जो सभी बड़ी खबरों का अगर रुख करें और अयोध्या मामले को लेकर जो महाफैसला आया है उनमें अगर बात करें, तो अयोध्या में विवादित जमीन पर फैसला हो चुका है, राम मंदिर ही अयोध्या में बनेगा। ये 9 नवम्बर का एक इतिहास का दिन है क्योंकि आज यहाँ पर जो है करतारपुर कॉरिडोर का भी उद्घाटन हुआ, इसके साथ आज राम मंदिर का भी बड़ा फैसला आया है। तो 9 नवंबर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है कि ट्रस्ट के जरिए विवादित जमीन पर राम मंदिर बनेगा, ट्रस्ट यहाँ पर अब निर्णय लेगा। सिकंदर सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाकर इसका गठन करेगी। इसके अलावा अयोध्या में ही दूसरी जमीन पर मस्जिद बनाई जाएगी। अयोध्या में से जो खाली जमीन है उस पर 5 एकड़ जो जमीन है उस पर यहाँ पर जो है मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। लेकिन ओबीसी का बयान कि हमें खैरात में 5 एकड़ जमीन नहीं चाहिए, ऐसा उनका बयान है, वो भी आ गए आपको दिखाएंगे। यूपी केंद्र सरकार 5 एकड़ जमीन यहाँ पर देगी, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को वो कहाँ देगी ये चयन करना होगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जमीन का बंटवारा अमन के लिए सही नहीं था, मतलब जो जमीन है उसका बंटवारा कहीं ना कहीं सही नहीं था, इसलिए यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को कहीं और जमीन दी जाएगी और जो अयोध्या में जो यहाँ पर विवादित जमीन है उस पर यहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हाई कोर्ट के फैसले से स्थायी शांति नहीं हो रही थी, इस कारण से यहाँ पर जो फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अतीत की गलतियों का सुधार करना जरूरी है, ऐसा यहाँ पर जो खबर है उसके अनुसार। सबसे बड़ी बात की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया है। और यहाँ पर अगर बात करें तो जो सबसे बड़े फैसले में कोर्ट ने क्या कहा है, हिंदू की आस्था पर कोई विवाद नहीं है, मुस्लिम पक्ष का दावा साबित करने में नाकाम रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी अभी जो जानकारी उसके अनुसार मिली है कि आज का दिन भारत के लिए दुनिया में एकता की मिसाल पेश कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर हर कठिन समस्या का हल न्यायपालिका में ही मिलता है, ऐसा उन्होंने अभी अभी जो कॉन्फ्रेंस की उसके जरिए ये बातें कही है। फैसले के बाद न्यू इंडिया के निर्माण में भारत जुटेगा। नंबर 4 उन्होंने बात की कि लक्ष्य और मंजिलें और भी हैं, साथ रहकर हासिल करना है। इसके अलावा एकता और शांति देश के विकास के लिए बेहद ही जरूरी है, डर और कटुता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा फैसला आने के बाद जिम्मेदारी बढ़ गई है, भविष्य की चुनौतियां भी बढ़ चुकी हैं और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नया सवेरा लेकर आया है।
और इसके अलावा सबसे अच्छी बात की फैसला सर्वसम्मति से आया है। ऐसे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ ने या जो अन्य यहां पर नेता है उन्होंने सभी ने यहां पर देश में जो है शांति का माहौल बनाने की अपील की है, क्योंकि फैसला भले ही यहां पर राम मंदिर के पक्ष में है लेकिन हार जीत किसी की बिल्कुल नहीं हुई है और आने वाले समय में देश को और आगे ले जाने के लिए हमें एकजुट होकर साथ चलना है।